आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरे लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकों निरंतर खोज कर रहे हैं एलियंस के अस्तित्व का। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं। कभी किसी यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जाने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के प्रमाण भी है जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियंस होते हैं और वो आज भी धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक है कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में लोगों ने वो सब बनाया होगा। इसी कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नाजका लाइंस के सत्यता तक सब कुछ शामिल है। आप देख रहे हैं सर्च ऑफ साइंस, आज की विषय प्रूफ ऑफ एलियन, ऐसा कुछ प्रमाण जिससे साबित होता है कि एलियंस यानी वीन ग्रह के जीव बेशक होते हैं। हाल ही में 29 अप्रैल 2020 में यूएसए के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन रिलीज किया है 3 ऐसा क्लासिफाइड फुटेज जो कि 2001 से लेकर 2070 तक फेक डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन पेंटागन ने इस पे अपना राय फिर से दिया है कि ये फेक बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कुछ और है। खराब वेदर की वजह से फुटेज में कुछ गड़बड़ी आ गया है, लेकिन इसको अनआइडेंटिफाइड बोल के छोड़ दिया गया है। हम लोग देख लेंगे वो फुटेज। That's not our LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's a good thing, it's right. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at the fly. एरिया 51 के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जो पश्चिमी अमेरिका में नेवादा के दक्षिण में स्थित है। ये जगह में एंट्री इतना स्ट्रिक्ट है कि प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकते हैं। गूगल मैप भी ये जगह ठीक से शो नहीं करते हैं। आखिर इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों? इसके पीछे है एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी माना जाता है कि ये एलियंस का अड्डा है और यहाँ चलता रहता है बहुत सारे सीक्रेट रिसर्च। शायद एलियंस यहाँ आते जाते रहते हैं और इस इलाका के आसपास कई बार यूएफओ साइटिंग भी हुआ है। लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ये बोल के बात टाल देते हैं बार बार कि ये बस एक सीक्रेट एयरबेस है। लेकिन वहाँ के कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट और कुछ हैक्ड डेटा के बदौलत ये साबित हुआ है कि ये एलियंस का ही अड्डा है। ये फुटेज भी एरिया 51 का है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एलियन को। अगर किसी को लग रहा है कि ये फुटेज कोई फिल्म से लिया हुआ है या एडिटेड है तो आप बिल्कुल गलत है। आप इस फुटेज को नेट में भी जांच कर सकते हैं। ये एरिया 51 का ही एक हैक्ड डेटा से मिला है। ये जगह है रॉसवेल, न्यू मेक्सिको। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटना हुआ था जिसमें एक एलियन का डेड बॉडी भी बरामद हुआ। इस घटना को रॉसवेल क्रैश भी कहा जाता है। CIA का साइंटिस्ट किट ग्रीन अपने रिटायरमेंट के बाद ये घटना का हकीकत दुनिया के सामने लाए थे। इसको रॉसवेल इंसिडेंट एलियन ऑटोप्सी भी कहा जाता है।
पिक्चर में देखे गए इस एलियन का ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि ऑटोप्सी किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को भी चांद के फार साइड यानी कि अंधेरे हिस्से में कुछ अजीब हरकत नज़र आया था, जो देख के ये लोग डर भी गए थे। We do see that. Okay. That's looking out in front of the orbiter. Okay, we're seeing three or four objects. Can you confirm that it's just the one that's actually moving? The other ones are just reflections? No, there are. मार्च 2014 में अफगानिस्तान के जलालाबाद के रेगिस्तान में भी यूएस मिलिट्री के बेस कैंप में देखा गया है यूएफओ, जिसका फिल्मिंग भी किया गया था। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जिनको भगवान मानते हैं वो असल में एलियंस ही है, जो इंसान से कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड है, जो हम लोग को कैद करके रखे है एक एल्गोरिदम में। शायद इसलिए ये पहली बन के रह गया अब तक। खैर, ये चर्चा के विषय है, इसको फर्मी पैराडॉक्स या जू हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके बारे में दूसरा कोई वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों का हौसला और भी बढ़ जाता है।